नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर बेस के कॉर्ड्स किस तरह से बना सकते हैं, उसका साउंड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी वीएसटी की ज़रूरत भी नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने इंस्ट्रूमेंट में, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम अपने मिडी ट्रैक के ऊपर। नाउ इनिशियली आपको इसके साथ मिलती है साइन वेव बाई डिफॉल्ट जो होती है। अब इसको प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा साउंड आएगा, तो इसको हमने चेंज करना है साइन डी के अंदर, सॉरी सौ डी के अंदर, तो आपको कुछ ऐसा साउंड मिल जाएगा। नाउ इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है, ऑलमोस्ट 50 to 60%, तो मैंने इसको कर लिया स्प्रेड। फिर यहाँ से इस पिच ऑप्शन को हम इनेबल करेंगे, और पिच को लेट से 100%। उसके बाद इसकी जो नॉब है ये वाली, यहाँ पर आएंगे हम इसको, और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा नीचे, तो इट विल साउंड लाइक दिस। नाउ अगर मैं कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले करूं, फॉर एग्जांपल मैं सी मेजर कॉर्ड प्ले करूं, तो परफेक्ट एक साउंड जो है मेरे फ्यूचर बेस के लोलोली बन चुका है। नाउ आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। कॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, पर यहाँ पर मैंने एक मिडी बनाई हुई है कॉर्ड्स की, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा जो मैंने बना के रखी हुई थी पहले से ही। तो यहाँ पर जो मेरे कॉर्ड हैं वो हैं जी मेजर, सॉरी जी माइनर, डी माइनर, बी फ्लैट माइनर और एफ मेजर। ठीक है, ये चार कॉर्ड्स हैं जो फ्यूचर बेस में काम कॉमनली बहुत यूज़ होते हैं। अब इनको प्ले करते हैं, ये कैसे साउंड करेंगे, लेट्स हियर इट। मेट्रोनोम अपना ऑन कर लेंगे यहाँ से। मेरा बीपीएम जो है 155 का है, सो नाउ लेट्स हियर इट। ये बहुत ड्राई अभी साउंड कर रहा है, सो फर्स्ट वी नीड रिवर्ब एंड अप्लाई सम रिवर्ब। ओके, अब इसको फ्यूचर बेस की फीलिंग देने के लिए आपको चाहिए इसके अंदर एक ऑटोमेशन, जो कि इसको, इसकी जो रेट है मूविंग का, उसको फास्ट कर देगा और स्लो कर देगा। सो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑटो पैन। ड्रैग एंड ड्रॉप किया। नाउ इन सारी नॉब्स को आप कर दीजिए पहले डाउन। सबसे पहले अमाउंट को आप कर दीजिए तकरीबन 50। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो रेट वाली नॉब है इसको मैं आपको पहले एडजस्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसे करेंगे ऑटोमेट। सो लेट्स प्ले इट नाउ, और देखते हैं कि कैसा साउंड चेंज होगा इससे। ठीक है, तो अब हम इसे कर देंगे ऑटोमेट। सो राइट क्लिक, शो ऑटोमेशन, और उसके बाद फर्स्ट कॉर्ड हमारा ऐसे ही रहेगा, हम करेंगे सेकंड कॉर्ड से। तो सेकंड कॉर्ड पे आए, हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, एंड देन इसको ले गए ऑलमोस्ट यहाँ पर, और इसको ले आते हैं यहाँ पर। सेम चीज लास्ट वाले कॉर्ड पे कर देते हैं ये, एंड इसको थोड़ा सा और नीचे इसकी वैल्यू को कर लेते हैं। चलिए अब सुनते हैं कैसा साउंड आएगा। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, इसको कीजिए डुप्लीकेट, और यहाँ से मैं इस ऑटोमेशन को हटा दूंगा। लेट्स क्रिएट अ बेस लाइन कॉर्ड, सो इसको ऑफ कीजिए। जो हमारा लास्ट नोट है वो हमारी बेस के लिए काम करेगा, सो इसको दोबारा से कर देंगे डुप्लीकेट यहाँ पर। यहाँ पर आपको ऑटो पेन नहीं रखना है, ऑटो पेन हटा दीजिए सेकंड बेस वाले पार्ट से। नाउ आपको चाहिए एक कंप्रेसर, ताकि इसको हम कर सकें साइड चेन। तो आपको जाना है अपने ऑडियो इफेक्ट्स में, सबसे पहले हम कॉर्ड्स के ऊपर लगाएंगे कंप्रेसर, और कंप्रेसर लगाने के लिए आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ से। अब कंप्रेसर लगाने के बाद आपको उसको साइड चेन करने के लिए एक ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी आप किक और स्नेर का कोई भी बेसिक सा रिदम बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक लूप पड़ा होगा, तो उस लूप को यूज़ कर लेते हैं क्विकली इस वीडियो के लिए। तो अभी इस पे साइड चेन नहीं हुई पड़ी है, तो इसको हमें करना पड़ेगा, लेट्स कॉल इट
ड्रम्स, दोबारा से इस ट्रैक पे जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ड्रम्स, इसको लेट से कर दीजिए 24%, और सेम कंप्रेसर को आपने कॉपी एंड पेस्ट कर देना है अपने बेस ट्रैक के ऊपर भी, सो दोनों चीज़ें साइड चेन होंगी। नाउ लेट्स हियर इट। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं पैड्स या आप ऐड कर सकते हैं सिंथ, और मुझे सीरम के साउंड्स बहुत पसंद हैं तो सीरम के साउंड में दोबारा यहाँ से लिया, देन आई नीड सम पैड्स, सो लेट्स हियर इट। तरह से आप एक फ्यूचर बेस का ट्रैक बना सकते हैं, और अभी अगर हम देखें तो हमने 5 या 6 मिनट के अंदर एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन जो बनाया, सारे इफेक्ट्स भी लगा लिए। सो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, और आई होप कि आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ और देखने के लिए, और आई होप यू आर सेफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आऊँगा बहुत जल्दी आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक गॉड ब्लेस यू।